हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज पे। यदि आप सारी जानकारी हिंदी में लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ Pantoprazole 20 टैबलेट, जिसकी हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। ये क्या काम करती है, इसके अंदर कौन सा कंटेंट यानी कौन सा मॉलिक्यूल उपस्थित रहता है, कितना प्राइस है और कब लेना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, संपूर्ण जानकारी देखेंगे। चलो बात करते हैं Pantoprazole की। सबसे पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं कि इसको कौन सी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसको अल्केम कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया और ब्रांडेड कंपनी है। अब बात करते हैं Pantoprazole टैबलेट के मॉलिक्यूल के बारे में, यानी कि इसके अंदर कौन सा ड्रग उपस्थित रहता है। मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो इसके अंदर एक ही ड्रग उपस्थित रहता है, जो कि Pantoprazole है। Pantoprazole की अभी उपस्थिति देखें तो इसके अंदर 20 mg में Pantoprazole उपस्थित हैं, जो कि एक गैस एसिडिटी के लिए काम करने वाला ड्रग। अब बात करते हैं Pantoprazole के कार्य के बारे में, है इसका क्या क्या कार्य है। कार्य के बारे में बात करें तो इसके अंदर Pantoprazole उपस्थित होने के कारण है एक एंटासिडिक कैप्सूल है, जैसे कि हमारे शरीर में गैस बनना, एसिडिटी होना, खाने का पचन न होना और गले में जलन होना, साथ ही में जलन होना आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात कर रहे हैं इसके प्राइस के बारे में, यानी इसका कितना कीमत है और कितना कैप्सूल का कितना कीमत रहता है। प्राइस के बारे में देखिए, जैसे Pantoprazole 15 गोली का स्ट्रिप रहता है, एक स्ट्रिप के अंदर 15 गोली उपस्थित है, और इसके प्राइस की बात देखें तो 103 रुपये हैं, जो कि हमें हर एक मेडिकल स्टोर पर ये आसानी से मिल सकती है। अब बात करते हैं Pantoprazole के डोज के बारे में, इसका क्या डोज रहता है, कब लेना चाहिए। इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज देखे तो ये खाली पेट लिया जाने वाला कैप्सूल है, और ये दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, सुबह और शाम। जब भी इस गोली को लेते हो तो खाने से ठीक आधा या 1 घंटे पहले लें। इस गोली का उपयोग करते समय खाने से आधे या 1 घंटे पहले ही करें, और इसका डोज देखे तो 2 टाइम रहता है, सुबह ले खाने से पहले और शाम को खाने से पहले इस गोली को ले लें। अब बात करते हैं Pantoprazole के साइड इफेक्ट के बारे में, इस गोली का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। साइड इफेक्ट के बारे में देखें तो इसका इतना मुख्यतः साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, और यदि देखने को भी मिलता है तो जैसे कि उल्टी होना, जी मसलाना, दस्त लगना, ये इसका सामान्यतः साइड इफेक्ट है, जो कि नॉर्मल सा रहता है। मैंने पहले बता दिया कि इसके अंदर Pantoprazole उपस्थित हैं, जो कि गैस एसिडिटी के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कंटेंट है। और जब भी आप इस कैप्सूल का उपयोग करते हैं टैबलेट का, तो अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इसके टैबलेट का उपयोग करें। अब बात करते हैं यदि आप इसका डोज भूल गए हो तो क्या करें। यदि इसका आप डोज भूल गए हो तो जहाँ तक संभव हो वहाँ तक ले लें, और यदि अगले डोज का समय हो गया हो तो पिछले वाले डोज को छोड़ दें और अगले वाले डोज को डबल ना करें। एक ही टैबलेट लें, ना कि इसको डबल टैबलेट लें। और आप इस टैबलेट को ख़रीदते समय एक्सपायरी ज़रूर देखें कि इसकी एक्सपायरी टैबलेट तो नहीं है। कभी भी आप कौन सा भी मेडिसिन खरीदते समय अपनी एक्सपायरी ज़रूर देखें, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। चलो दोस्तों, Pantoprazole का यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।